सुलेखा जी, उनसे भी अनुरोध है कि आप आवे और जेबी केसेस में आज वो दादा से अनुरोध है कि सुलेखा कुमारी जी जो स्थानीय है उनका माला दे करके उनको भी हमारे संगठन में उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और सुलेखा जी से एक और निवेदन कर रहा हूं कि आप इंतजाम जी का माल्यार्पण करके आज स्वागत करें, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुकेश कुमार जी माला पहनाई सुले दोनों, प्रीति साहू जी बहुत जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। मुकेश चंद्रवंशी जी हमारे अधिवक्ता, वो हमारे संगठन में शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। परवेश जी वो भी हमारे संगठन में आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हक और अधिकार की लड़ाई में इनका कंधा भी हमारे साथ शामिल होने जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय झारखंड। हक अधिकार और झारखंड की माटी के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। अब मैं इंतजाम जी अली से निवेदन करना चाहता हूं कि वो दो शब्द रखें और जनता को संबोधित करें। इंतजाम अली मेरे वीर परिवार की ओर से आप सभी जैविक केसेस पूरे टीम को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और आप तमाम गिरिडीह के जनता को आपको भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आपको मैं एक बात भैया के लिए कहना चाहूंगी कि ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इस मंच पे आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आपने पिछले जब से झारखंड आजाद हुआ है, जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से आज तक अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी राजनीतिक में या एजुकेशन में या रोजगार में हमारी अपना अस्तित्व क्या है। मैं आप तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं अपनी परिचय देना चाहूंगी कि मेरा नाम इंतजाम अली हुआ और मैं भी क्रांतिकारी से ही से एक भिखारी की पोती हूँ और झारखंड आंदोलन शेख अजीम उनकी पोती हूँ। झारखंड आंदोलन करे मेरे पिता खुद एक सिस्टर एम्प्लॉय थे, मैं उनकी बेटी हूँ क्योंकि उन्होंने 13 साल नौकरी को झारखंड आंदोलन करने के चक्कर में वो इस राज्य का इतनी मोहब्बत था कि अपनी नौकरी को त्याग दिए। मैं उस क्रांति परिवार से हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, आपसे अनुरोध करने के लिए आई हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारी से भारी मतों में विजय बनाए हमारे भैया को, क्योंकि ये अकेले लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि ये एक ऐसे साधारण परिवार का बेटा है। कभी आप सोच नहीं सकते होंगे कि एक ऐसे परिवार जो आज सरकार से आंख में आंख मिला करके वो अपनी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि सवाल पूछने वाले को उसकी सर से उसके जिस में से धर से उसकी सर अलग कर दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा बेटा है जो झारखंड में अपनी अपने अधिकारों के लिए, अपनी जनता के अधिकारों के लिए अपनी सारे खून बलिदानों का कभी ये नहीं सोचे कि हमको क्या चाहिए। लेकिन आज मैं तमाम लोगों से कहने के लिए आई हूँ कि आज कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को वोट नहीं करना है, क्योंकि ये 18 साल बीजेपी की सरकार रही लेकिन उन्होंने भी छलने का काम किया, यानी बारी बारी से झारखंड को है पूरे लूटने का काम किया है। लेकिन आज 4 साल गठबंधन सरकार है, मालूम है ना गठबंधन सरकार, लेकिन ये गठबंधन सरकार ये पारिवारिक सरकार है, यानी अगर पिता मर जाए तो बेटी बेटा को अगर उनको टिकट मिलता है, और अगर बेटी अगर पत्नी अगर पकड़ा जाए तो पति को टिकट मिलता है, अगर बाप धरा जाए तो बेटा को टिकट मिलता है, तो ये पारिवारिक सरकार है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी और ये झारखंड सरकार से भी अवगत करना चाहूंगी आपके इस मंच के माध्यम से कि क्या निर्माण महतो के लिए भी टिकट उनके परिवार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये अगर पारिवारिक सरकार चल रहा है तो उनको भी हक अधिकार है, क्योंकि हमें भी अपनी भागीदारी चाहिए। लेकिन आज तमाम लोगों को ये बोला जाता है कि अरे तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम उसको वोट करो उसको वोट करो, लेकिन इस बार ना इंडिया को वोट करो इंडिया को वोट करो, अगर झारखंड को बचाना है तो जेबी के
बिल्कुल, क्योंकि ये एक क्रांति, ऐसी क्रांति है जो सारे पार्टियों ने लूटने का काम किया, और ये जेबी केसेस, ये कभी किसी का शिकार नहीं खाता है, खुद शिकार करता है और खुद खाता है। आपने पता है ना कि शेर क्या करते हैं, शिकार करते, लेकिन हम लोग करप्शन का शिकार करेंगे। यहाँ जात पात के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी आज 200 किलोमीटर चल के आई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मुझे पब्लिसिटी चाहिए, मैं इसलिए आई हूँ कि हमारे भाई का आज अकेला आपके लिए लड़ने के लिए है, वो अधिकार आपके लिए लड़ने के लिए है। ये मत सोचिएगा कि हम लोग किसी का 2 रुपया 4 रुपया में किसी का वोट मांगने के लिए है। अगर वाकई में जेबी केसेस से आप मोहब्बत करते हैं तो आप अपने घरों से, अपने एक यहाँ जितने दादा लोग है, एक एक भैया अगर दो दो लोग तक घर में जाएंगे ना, आप बोलेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत होगी अत्याचार आपकी बार खतियानी सरकार आपकी बार। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज मेरा पहली बार आपकी सरजमी पे हाजिरी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और मैं तमाम लोगों से कहने के लिए आई हूँ कि इस बार कुछ भी हो जाए, जेबी केसेस को भारी से भारी मतों पर विजय बनाकर इनको राज्यसभा तक पहुँचाए, विधानसभा तक पहुँचाने का काम करे। जय झारखंड, जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, बहुत बहुत शुक्रिया, जय बहुत बहुत धन्यवाद। खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, यदि